हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है? तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड होने वाला है हमारे फ़ोन से। यानी कि गाइस, आपको पता है कई सारे ऐप्स हैं जो हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारे फ़ोन का जो डाटा ख़त्म होता है और साथ ही साथ जो फ़ोन की बैटरी होती है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाती है। तो गाइस, जो बैकग्राउंड में ऐप्स चल रहे होते हैं उन्हें हम कैसे ऑफ कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई ऐप ना चले, तो वही चीज़ मैं गाइस आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कैसे करना है बैकग्राउंड में चलने वाले जो ऐप्स हैं उनको ऑफ, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को प्रॉपर पूरा देखना है जिससे आप इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो याद से वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? तो वह सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग्स का ऑप्शन, सेटिंग पे सिंपली आ जाना है, सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग सिंपली ऐसे आप ओपन करेंगे तो आपको गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको इस डेवलपर ऑप्शन के बारे में पता होगा, तो सिंपली आपको जो डेवलपर ऑप्शन है वो हमारे फ़ोन में दिया होता है। तो मेरे फ़ोन में भी डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है, तो मैं सिंपली सबसे पहले क्या डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आएंगे तो ये सिंपली आपको जो अपना फ़ोन है अबाउट फ़ोन पे आना है। अबाउट फ़ोन पे आने के बाद आपको यहाँ पे गाइस यहाँ पे बिल्ड नंबर मिलेगा, बिल्ड नंबर पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहले आपको फ़ोन का पैटर्न दे देना है। फ़ोन का पैटर्न देते ही आपको जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है, यू आर नाउ आर डेवलपर। तो डेवलपर ऑप्शन जैसे ही ऑन हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद वापस सेटिंग पे आना है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, अबाउट फोन के ऊपर ही मिलता है सिस्टम का ऑप्शन। सिंपली सिस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन आ चुका है। सिंपली इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड रनिंग। तो गाइज उसको आपको सिंपली यहाँ पर ढूंढ लेना है, नहीं तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मैंने सर्च किया बैकग्राउंड सर्च किया और बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट आ रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो वह जो बैकग्राउंड प्रोग्रेस लिमिट था इस पर सिंपली क्लिक करना है और गाइस यहाँ पे आ रहा है कि कितनी चीज़ें एक साथ प्रोग्रेस होनी चाहिए, 1, 2, 3 या फिर नो बैकग्राउंड प्रोग्रेस। तो आपको सिंपली नो बैकग्राउंड प्रोग्रेस पे क्लिक करना है और येस कर देना है। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके फ़ोन पर कोई भी ऐप अब बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। ऐसे आप बैकग्राउंड रनिंग ऐप्स को ऑफ कर सकते हो। आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।